रवेश, ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम एक फेरी टेल में जी रहे हैं? फेरी टेल असल जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं होती है। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आपका साथ मिला। पता है, पहले जब मैं अपनी शादी के बारे में सोचती थी तो हर तरफ सन्नाटा गूंजता था। मुझे शादी एक समझौता लगती थी। मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स मिलेगा। मुझसे मिलने के बाद भी आपने ऐसा नहीं सोचा? आपसे मिलके तो जिंदगी ही बदल गई। पहले तो काम और मसरूफियात की वजह से किसी भी चीज के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। काम से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। और इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं, दुनिया के रिवाजों से दूर, हर गम हर फिक्र हर परेशानी से आजाद होकर। इस लम्हे में जीने आए हैं, खुशी को महसूस करना चाहते हैं। सच बताऊं तो इससे पहले मैंने कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं। अरे मिसेस शावेज, आप हुक्म तो करें, आसमान से तारे तक तोड़ के ले आएंगे आपके लिए। इतनी मुशक्कत मैंने अपने शौहर से नहीं करवा ली। आपने जो कुछ मेरे लिए करना है इसी दुनिया में कर ले। करूंगा, जो बस में होगा सब करूंगा। आजमा लीजिएगा। आजमाने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पे एतबार है। आपने बहुत ज्यादा शॉपिंग करी। कहाँ शॉपिंग करवाई है, मेरा दिल तो जा रहा था सारा बाजार खरीद के ले लूं। इतनी दफा टूर्स पे आई हूँ, घर वापस जाते हुए घबरा रही हूँ। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी इतने तोहफे तहफ आप लेके जा रही है अपने घर वालों के लिए, तो आपका इंतजार कर रहे हैं, खुश होंगे आपको देख। पता नहीं क्यों दिल में अजीब सी परेशानी है। अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे खदशे इन्हीं सड़कों पर फेंक के भूल जाएं, खुद पे एतमाद बहाल करें, खुद पे भरोसा करें और किसी से घबराने की जरूरत नहीं। और अगर ऐसे कुछ होता भी है तो मैं आपकी एक आवाज की दूरी पे हूं, मुझे एक आवाज देंगी, मैं फौरन भाग के आपके पास चलाऊंगा, सबको हैंडल कर लूंगा। वो क्या कहते हैं कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना? इतने दिन गुजर गए,